पावर प्रोजेक्टों की वजह से और सड़कों की वजह से जो किश्तवाड़ में एनवायरनमेंट की तबाही हुई है, उससे जब जाहिर होता है कि किश्तवाड़ जो है वो आइंदा चलने आने वाले वक्त में जो है वो बारूद के ढेर पे खड़ा है। कई कोशिशों के बाद जो है वो अब डीडीसी चेयरपर्सन ने जो है वो आज एक मीटिंग की जो एनएचआईडीसीएल और उसके सब ऑर्डिनेट ऑफिशियल्स हैं, जो रोड्स को लेकर जो है वो मीटिंग थी, जो यहाँ नेशनल हाईवे और अलाइड रोड प्रोजेक्ट्स हैं उसके रिलेटेड थी। लेकिन क्या इसमें पावर प्रोजेक्ट्स भी कवर होंगे? और हमारे पास एक क्लिप आया है जो पूजा जी के घर के दरवाजे के बाहर का क्लिप है, डंडोरों का है। उस क्लिप में देखा जा सकता है कि किस तरह से पावरफुल ब्लास्टिंग हो रही है। और जब हम पिछली बार डंडोरू में गए थे, पूजा जी खुद वहां पर मौजूद थी, 1100 kg का एक आईडी ब्लास्ट किया गया था वहां पर, जिसको जो ब्लास्टिंग बोलते हैं, उससे कितनी तबाही मची थी वो इन्होंने खुद भी देखी थी। पूजा जी, तबाही लगातार मच रही है, एनवायरनमेंट हमारा जा रहा है, आज 29 तारीख है, बर्फ बारिश कहीं नहीं है, जिम्मेवार कौन है और क्या हम लोग जिम्मेवार नहीं है जो हम खामोश हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी हमें दोष देना चाहिए कि इन चीज़ों को रोकने के लिए कहीं ना कहीं जो हमारी लोकल पब्लिक, हम लोग एज ए रिप्रेजेंटेटिव भी कहीं ना कहीं दोषी हैं। और एज ए रिप्रेजेंटेटिव अगर मैं अपना कहूँ, मैंने शुरुआत से ही आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी, पर बदकिस्मती किश्तवाड़ की ये है कि लोग करने से ज़्यादा जो है मतलब पॉलिटिकल शिकार हुआ, मतलब पॉलिटिकल तो इधर है ही है। मतलब कोई भी काम अगर आप शुरू करते हैं, पहले ही उसमें जो है रोड़े जो है लगा दिए जाते हैं, उस चीज को जो है आगे हम लोग कैसे यू नो एंड पॉइंट तक हम लोग कैसे पहुंचे, वो चीज कोई नहीं सोचता है। बस पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा हो रहा है और वो लोग मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। हम लोग अगर आवाज उठाते हैं तो हमारी आवाजों को दबाने के लिए जो है ऐसे ऐसे पैंतरे आजमाए जाते हैं। तो मैं क्योंकि आपने ये चीज जो है यहाँ पे मेरे साथ डिस्कस करने आए, तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ कि एज ए किश्तवाड़ी ये सिर्फ मेरा ही काम नहीं है। मुझे लगता है कि जितने भी लोग किश्तवाड़ के, आने वाले समय में हमारी जनरेशनों को, मतलब आप देख रहे हो अभी तक बर्फ नहीं है कहीं, तो मतलब आने वाली जनरेशन ने क्या हमसे, मतलब हम क्या सोचेंगी वो कि हमारे जो बड़े थे उन लोगों ने हम लोगों के लिए किया क्या। तो इतने सारे पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर है, इतने सारे रोड्स हमारे बन रहे हैं, ठीक है हमारे बेनिफिट्स के लिए है, हमारे डेवलपमेंट के लिए हम मानते हैं, बट डेवलपमेंट हो कहाँ रही है? इवन की जो चीजें हमारी जो नेचुरल जो ऊपर वाले ने हमें बख्शी थी वो भी खत्म हो रही है। तो मतलब ये चीजें जो है हमें देखनी चाहिए। और क्योंकि आप मीडिया वाले जो हैं, बार बार वीडियोस जो है मैं देखती थी कि रोड्स जो है कितना नुकसान कर रहे हैं हमारी चिनाब का, हमारे फॉरेस्ट का, हमारे इन्वायरमेंट को, इसीलिए मैंने, मुझे लगा कि मुझे ये पहल करनी चाहिए। क्योंकि जहां तक मुझे पता चला है, इन्वायरमेंट के जो चेयरमैन है वो हमारे डीसी साहब है और सेक्रेटरी जो है वो एडीसी किश्तवाड़ है। वो लोग मीटिंग्स में इन लोगों के ऊपर क्या फाइन इम्पोज करते हैं, इनको क्या पनिशमेंट देते हैं, वो हमें कुछ पता नहीं है। बट एज ए रिप्रेजेंटेटिव हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। आप हमें 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन 16 पेजेस की स्पीच बोल देते हैं कि बोलिए आप वहां पर उनमें से बहुत सारी चीजें जो हमें पता ही नहीं, हमें बताया ही नहीं जाता, हम कैसे उस चीज को वहां पे जो जस्टिफाई करें वहां। अच्छा, आज मीटिंग में क्या हुआ, कौन कौन लोग थे? जैसे हमने देखा जो दरियाए चिनाब है पूरा बंद हुआ था संगम पट्टी के यहाँ पर, प्रेमनगर में जो है वो डाला जा रहा है, कोतवाड़ा का हमने 2 दिन पहले एक क्लिप दिखाया था, तो क्या बोला जो फॉरेस्ट के लोग, जो फिशरीज के लोग? क्योंकि बाजाबता तौर पर इसमें एनवायरमेंटल प्लान है, जो हमारे 4-5 पावर प्रोजेक्ट है, तकरीबन 700-800 करोड़ रुपए का एनवायरमेंटल प्लान है, फिशरीज डिपार्टमेंट के को पैसे दिए जा रहे हैं, बाकियों को पैसे दिए जा रहे हैं एनवायरमेंट को यूटिलाइजेशन करने के लिए और एनवायरमेंट को बचाने के लिए, लेकिन कुछ जानकारी आपके पास, क्या बोला इन्होंने? एक चीज आपको, सबसे पहले मैं आपको बता दे, क्योंकि आज हमने बुलाया किस किस को था, एक तो NHIDCL के GM जो थे उनको हमने बुलाया था, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन ही रहते हैं हमेशा, मुझे लगता है क्योंकि जब भी हम उनको मीटिंग के लिए बुलाते हैं तो वो यहाँ अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उनके ही सबऑर्डिनेट को यहाँ आए थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट पोल्यूशन जो ऑफिसर है वो थे, असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज थे, डिविजनल फॉरेस्ट मड़वा थे,
डिविजनल फॉरेस्ट जो है किश्तवाड़ तो नहीं थे, रेंजर साहब उनके आए थे और माइनिंग ऑफिसर जो हमारे यहाँ के वो आए थे। देखिए डिस्कशन इसी चीज पे हुई कि जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि आए दिन जो है ब्लास्टिंग जो है NHIDCL कर रही है कुछ रोड्स पे, और जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां तक हम लोग भी डिस्कस करते हैं, हमने आज तक कभी नहीं देखा है कि कहीं नेशनल हाईवे पे रोड के लिए कोई ब्लास्टिंग होती है। हमेशा जो है रोड के जो मशीन से या वो जो कटर्स होते हैं, ब्रेकर्स होते हैं, उससे जो है रोड को बनाया जाता है, एक आध होती है। बट मुझे हैरानी हो रही है कि यहाँ ब्लास्टिंग हो रही है, क्योंकि एक बार हम खुद आई विटनेस हैं, हम पलमाड़ में बैठे थे प्रोटेस्ट पे और ढतपेट पे जो है ब्लास्ट हुआ, कितना डिफरेंस है, बीच में दरिया भी है और वहां पे उन्होंने ब्लास्ट किया और हिल हम गए पलमाड़ में, तो मतलब इतना, मतलब आप कितना एक्सप्लोसिव वहां पे यूज कर रहे हैं, इतना किसी तरह का कोई। और वही जब मैंने इनसे पूछा तो बोला कि हमें परमिशन मिली है। मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सी परमिशन दी गई है, किस बेसिस पे परमिशन मिली है कि आपको ब्लास्टिंग क्यों करनी है, जबकि माइनिंग के जो यहाँ बैठे थे तो वो मतलब हमें पता ही नहीं है, जबकि सबसे पहले माइनिंग डिपार्टमेंट को ही जाके देखना है कि क्या यहाँ ब्लास्टिंग जो है फिजिबल है, क्योंकि आप ब्लास्ट कर रहे हैं, सिंक हो रहा है सारा, सिंक हो रहा है बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये चीज है जो ये किसको देखनी, अगर एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे एज ए चौकीदार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिठा के रखा है तो चौकीदार का काम है कि वो देखे हमारे एरियाज में क्या चीजें ठीक चल रही है क्या नहीं। अगर वो नहीं काम कर सकते हैं इस चीज के ऊपर तो फिर सैलरी जो वो लोग ले रहे किस चीज की। मैं बता दूं, जब आपने लेटर निकाला है उसके बाद कुछ लेटर्स भी लिखे गए हैं, हाँ, कि हमने कॉरेस्पॉन्डेंस की है, अगर 20 उसी डेट में 27 को जिस दिन ये आप ही ने वो लेटर जो है मेरा वायरल कर दिया, तो उसी दिन जो है डिपार्टमेंट ने जो है एक कॉरेस्पॉन्डेंस भेजी है NHIDCL को कि भाई हमारा जो चिनाब है वो खराब हो रहा है, तो और उससे पहले भी एक दो बार जो है कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है, बट डिपार्टमेंट का ये कहना है कि हम फाइन इम्पोज करने के लिए भी सक्षम नहीं है। अगर एक गरीब आपका सीमेंट का बैग उठाता है अपने मकान बनाने के लिए, उसके लिए उसको आप पीछे पीछे आपका इम्प्लॉय जो है डंडे लेके होता है कि भाई फाइन दे दो, गरीब इंसान के लिए आपको फाइन लेने का है तरीका, बट एक जो हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स बना रहे उनके ऊपर आप फाइन नहीं लगा सकते। पॉलिटिकल प्रेशर यानी बताते हैं कि डेवलपमेंट का काम रुक जाएगा। देखिए सर, वो गलत ही करे, किश्तवाड़ डूब जाए, खिसक जाए, लोग मरे हो, क्योंकि मैं बता दूं कि जब अगर बारिश आगे चल के खुदा करे पड़े या बर्फ पड़ेगी, जो ये पहाड़ियां जो इन पर घास थी वो भी सूख चुकी है और ऊपर से ब्लास्टिंग की वजह से ये वीक हो चुकी हैं, और अब जब बारिश पड़ेगी तो लैंडस्लाइड्स यहाँ बहुत ज्यादा होंगे, और खासतौर पर डंगडूरू राठले पावर प्रोजेक्ट का और जो पक्कल डूल का जो यहाँ पर डुलहस्ती का पावर प्रोजेक्ट जो डूल डैम साइट है वहां पर सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड देखने को मिलेगी। पूजा जी, ब्लास्टिंग की बात हुई तो पिछली बार जब हम गए थे डंगडूरू में 1100 kg का ब्लास्ट हुआ था, वो हमारे सामने हुआ था, बिल्कुल, तो तब से अब तक ये सिलसिला जारी है, तो अगर रोकेगा इसमें तो कौन रोकेगा, क्या आपकी और ये लोग इसको एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस आप देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस आप वर्सेस जो कॉमन लोग हैं उनको देख रहे हैं, लेकिन बीच में जो है तो बंदा तो का जो है वो पिसा जा रहा है, आम लोग पिसा जा रहे हैं ना, एनवायरमेंट पिसा जा रहा है। ये शायद हमारी बदकिस्मती कहूंगी मैं कि हमारे यहाँ इतने पावर प्रोजेक्ट्स हैं और चेक अगर हम चाहे करना तो उसके लिए जो है हमें वो भी उसके लिए भी रोक दिया जाता है। हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर ब्लास्टिंग का जो भी मटेरियल रहता है वो आपको कितना एक दिन में आप कितना यूज कर सकते वो अगर हम चेक करें तो उसमें भी हमें ऊपर से भाई आप इस चीज के लिए नहीं बनाए गए। बट हमारे यहाँ पे अगर ये चीजें चल रही हैं तो एज ए रिप्रेजेंटेटिव लोगों की बात रखना, नीचे ब्लास्ट होता है ऊपर घर है, ब्लास्ट मतलब इतने जोरों से होता है कि वो लोग जो है अपने बैटों से गिर जाते हैं, उनके बर्तन गिर जाते हैं, पर यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो हर वीक पे उनका एक मतलब मीटिंग रहता है प्रोजेक्ट्स के साथ, कई बार हमने कहा हमें भी उन मीटिंग्स में बिठाया कि आप लोग बात क्या करते हैं, अगर घंटों की आपकी मीटिंग्स चलती है आप क्या कर रहे हैं, आपको क्यों मीटिंग में बिठाएंगे, आप सक्षम है मीटिंग कॉल करने के लिए, तो अपनी पावर यूज कर रहे हैं। आज से जो अगर आप देखेंगे मैंने एक बार पूरे ही प्रोजेक्ट का एक मीटिंग बुलाया था विद DC और कोई भी उस मीटिंग में नहीं आया था और मैंने एक्सप्लेनेशन कॉल की थी उसके लिए उन लोगों को, तो यहाँ पे ये तो चीज़ है कि आपने मैं को लिखा, मैं हर चीज मेरा हर एक चीज जो है वो राइटिंग में, मैं एक बात क्लियर और मैं आपको एक चीज कहूंगी कि इन
इंसान की कुर्सियां बदलती है पर कागज कभी नहीं मरता है। आने वाले समय में वो कागज जरूर निकलेंगे। और अभी तो मतलब देखिए, अभी ये लोग जिस स्वाद से खा रहे हैं, आने वाले समय में जरूरी नहीं कि वो स्वाद उनको फिर से मिले। देखिए पिछले तो दिनों आने वाले समय में वो लेटर जरूर निकलेंगी और जरूर कुछ पिछले दिनों यहाँ सीबीआई रेड भी हुई है और वो इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। लेकिन मैं एक बार पावर्स को लेकर क्लियर करूं कि जो भी डीडीसी चेयरपर्सन की पावर को चैलेंज करता है, मैं उनको ये बात बताता चलो, जहां पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक भी रुपया खर्च होगा, इस डिस्ट्रिक्ट में डीडीसी चेयरपर्सन एम्पावर्ड है उस चीज को चेक करने के लिए कि वो एक रुपया भी जो है वो कहां लगा। डीडीसी चेयरपर्सन है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरपर्सन, यानी कि जो भी डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंटल काम होंगे, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट होंगे, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट के होंगे, चाहे वो जल शक्ति के होंगे, चाहे वो नरेगा के होंगे, ये कोई 14 डिपार्टमेंट का खेल नहीं है। डीडीसी चेयरपर्सन जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो कैपेक्स लग रहा है, चाहे वो टूरिज्म लग रहा है, उसको मॉनिटर करने की जो है वो एंटाइटल्ड है। और ये एंटाइटल्ड है ऑफिशियल्स की मीटिंग लेने के लिए। मैं चाहूंगा कि आप, क्योंकि आप ये बात मैंने क्लियर की कि जो लोग बोल रहे हैं कि आप एंटाइटल नहीं है, आप इस चीज के लिए नहीं बनिए, ये बात क्लियर है। और रूल और गवर्नमेंट जो लॉ है वो आपको एम्पावर करता है कि अगर एक भी रुपया यहाँ पर जो डेवलपमेंट का, जो गवर्नमेंट का पैसा खर्च हो, कहीं भी हो, आप उसको जो है वो चेक कर सकती है। अब बात आ रही है कि आप बोल रहे हैं कि जो कागज है आपने लिखे, बाकी चीजें लिखे, हमने देखा कि सीबीआई की भी जो है वो यहाँ पर पिछले दिनों रेड पड़े इसको जो कीरू पावर प्रोजेक्ट को लेकर, तो क्या आप उम्मीद है कि जो आप लेटर्स लिख रहे हैं या जो कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं उस पर एक्शन होगा? देखिए एक्शन जो है, मैंने आपसे एक चीज कही कि कागज कभी नहीं मरता। आज एक्शन नहीं होगा, आने वाले समय में एक्शन हो सकता है। और अब मुझे लगता है कि हम लोगों को सीबीआई, विजिलेंस, इन सब तक भी ये लेटर्स पहुंचानी है कि जो हमारा ये डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे इतने सारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इतनी सारी जो है कंपनीज काम कर रही हैं, चाहे वो रोड्स को लेके या बाकी, बट जो एक किस्म का एक जो एक गाइडलाइन होता है वो ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। मतलब एक ऑफिसर ये कह रहा है कि मैं जी फाइन नहीं कर सकता हूँ, इट मींस कि उसको ऊपर से प्रेशर आता है कि भाई रुक जाओ। तो ऊपर से जो प्रेशर कर रहे हैं, इट मींस कि वो जो है वो उनके साथ सांडगांड करके अपना घर भर रहे हैं। हालांकि फाइन जो है वो ऑफिसर के घर में नहीं जाना है, वो भी सरकारी खाते में, सरकार में जाना है। और मतलब अगर सरकार में जाना है तो वो चीजें, अगर वो फाइन इकट्ठा होगा तो हमारे लोगों के लिए ही वो इस्तेमाल होगा, जनरल पब्लिक के लिए। बट अगर वो बेचारा ये कह रहा है कि मैं फाइन नहीं कर सकता, उसके उस कहने में भी मुझे जो है ये लगा कि वो बेचारा जो है खुद सहमा हुआ है, वो करना चाहता है बट नहीं कर पा रहा। आप स्पीच पढ़ रही थी परसों, जैसे जल शक्ति का वो पर्चा आया तो आप कुछ फेस एक्सप्रेशन आपके जो है वो खुश नहीं थे, तो बताएंगे क्या है? एक्चुअली आसिफ जी, मैं सच बात आपको बताऊं, एक दिन पहले मेरे को 2:30 बजे स्पीच मिली, 14-15 पेज का स्पीच रहता, ऑब्वियस सी बात है, पर बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी थी जो हमें पता ही नहीं है। तारीफ वाली चीजें, तारीफ या जो भी डिपार्टमेंट्स के, अब हमने ये किया, अरे हमें जब आप लोग बुलाते ही नहीं हो, हमें जब आप बताते ही नहीं हो, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हो रहा है या नहीं? और फिर आप कैसे ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं कल को मेरे से वही लोग जो मेरी स्पीच सुन के मेरे ऑफिस में आके मुझसे क्वेश्चन करेंगे? अगर आप ये कह रहे हैं जल जीवन मिशन में इतने नल लगे, आप दिखाएं कहाँ है, जब मुझे पता ही नहीं है कि वो लगे कहाँ है। लगे भी नहीं है, मैं बता दूं पिछले दिनों हमारे पास वीडियोस आए हैं कि कितना सब स्टैंडर्ड जो है वो जल शक्ति का काम हुआ है। और जब हर जगह से वीडियो आने लगे, मैंने लोगों से एक ही रिक्वेस्ट की कि आप इसको गवर्नर ग्रीवेंस सेल को, पीएम ग्रीवेंस सेल को, और एसीपी या विजिलेंस जो भी आप उसको नाम दें या क्राइम ब्रांच है उनको जो है वो कंप्लेंट करें, क्योंकि अगर हम भी एज ए मीडिया पर्सन सिर्फ एक ही चीजें चलाते रहे तो पूरा जल जीवन जो है वो फेल है। जो इसमें मुलाकात से मैं आपको बता दूं, महले बनाई है जो इसमें जो महिला समिति के लिए जो इन लोगों ने अवार्ड्स दिए हैं, मुझे पहले समझ नहीं आती कहाँ पे महिला जो समितिज हैं वो कहाँ बनी। पानी समितिज के लिए उसमें एक महिला को अवार्ड दिया गया था किसी पंचायत से थी वो, तो मैं इतनी हैरान है कि समितिज हैं कहाँ, हमें भी जरा बताया जाए। मैडम चलिए हम आपको बताते कि समिति का, या मतलब
हमें है मतलब हमें किसी चीज का ये पता ही नहीं देता। और जब हम इन लोगों से क्वेश्चन करते हैं तो इनका आंसर ये होता है कि हाँ हाँ मैम हम बताएंगे आपको बताएंगे, और वो एज पर रूल जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है उसकी कॉपी जो है वो डीडीसी चेयरपर्सन के ऑफिस में जो है वो जरूर जाती है, ये एक प्रोटोकॉल है। लेकिन अगर आपको भेजते नहीं है ये बदकिस्मती की बात है। पिछले दिनों ही जब चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमारे जम्मू डिवीजन के 10 चेयरपर्सन की मीटिंग बुलाई, और जब वहां पे एक इशू रेज हुआ कि जो हमारे केपेक्स का जो प्लान रहता है जो वेट होता है थ्रू चेयरपर्सन ऑफिस, तो क्योंकि मेरे यहाँ पे 2 साल से वो प्लान नहीं आ रहा, एक ही साल आया था वो जब अशोक शर्मा जी डीसी थे उस साल आया था, उसके बाद नहीं आया। और जब मैंने जो हमारे प्रेजेंट के डीसी हैं उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है। और जब मैंने सीएस से बात की वहां पे और कहा कि सर हमारे डीसी साहब तो ऐसे कह रहे हैं तो आप क्यों नहीं एक रिटर्न, तो उनका आंसर ये था कि आप लोग जो हो आप लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट को चेयर कर रहे हो, डीसी आपके बाद है, आपको डीसी से पूछने का जरूरत ही नहीं है, डिपार्टमेंट्स को आपके पास प्लान खुद लाने हैं। और जब डिपार्टमेंट्स है वो बोलते हैं हमें डीसी मना कर रहा है प्लान्स मत ले, मतलब मनोपली इतनी है किश्तवाड़ में। अब चीफ सेक्रेटरी ज्यादा है कि डिप्टी कमिश्नर? मैं वही तो बोल रही हूँ कि जैसे ही हम लोग जम्मू क्रॉस कर लेते हैं और खाटरी के इधर आना स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे अपना ही पंचायती राज एक्ट है। और जब सेक्रेटरी को लिखा है इस बारे में? मैंने लिखा है, मैं तो पर्सनली उनसे मिलके आई हूँ। और उन्होंने देखिए, मैं एक चीज यहाँ से आपको क्लियर कर दूं, सेक्रेटरीट में जितने हमारे कमिश्नर्स बैठे हैं सीएस हैं हमारे, वो बिल्कुल मतलब हम लोग जब भी उनके पास गए हैं उन लोगों ने हमारे प्रोटोकॉल का बिल्कुल आदर किया, और कभी भी हमें ऐसा नहीं लगा कि वो हमें साइडलाइन करे या नहीं। जो हम अपना ग्रीवियंस लेके जाते हैं वो बिल्कुल उसको सॉर्ट आउट करते, बट अब हम हर चीज लेके थोड़ी सेक्रेटरीट जा सकते हैं, मतलब हम कितनी बार मतलब रोड बंद हो गया तो कमिश्नर के पास जाओ, पानी का इशू है तो कमिश्नर के पास जाओ, कोई और इशू है तो अगर सब उनको ही करना तो इन लोगों को यहाँ क्यों बिठा के रखा हुआ। अच्छा अब क्या आप चाहती जो अभी आगे आप क्या हो रहा है? मैंने जो आज ये मीटिंग कॉल की, एक तो मैंने इनको कहा कि आप मुझे अपने डंपिंग यार्ड दे, क्योंकि इन्होंने जो सबलेट किया है आगे जिन कंपनीज को काम वो जो है वो बिल्कुल भी हमारे यहाँ पे एनवायरमेंट का बिल्कुल देख ही नहीं रहे, बिल्कुल खत्म कर दिया है हम लोगों को यहाँ पे इन लोगों ने। और चेक जो है NHIDCL को करना जो वो बिल्कुल नहीं कर रहा। मैंने इनको ये कहा है कि आप सबसे पहले तो मेरे को दिखाएं आपके डंपिंग यार्ड्स कहाँ पे आप लोग जो है ये मग जो है डंप कर रहे, और साथ में जितने भी डिपार्टमेंट्स यहाँ आए थे आप कॉरेस्पॉन्डेंस क्या हो रही है आपकी, आप मेरे को 2 दिन के अंदर इस चीज का जवाब दें। जब आपके जो आप कह रहे हैं कि हमने डायरेक्टर को लिखा कमिश्नर को लिखा, वो लोग आपको क्या कह रहे हैं वो हमें बताएं यार, क्योंकि अगर कल को मैं खुद पर्सनली अगर मैं गडकरी साहब से मिलने जाऊं तो मैं कहूं यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि आप देखिए अब हर चीज अगर आपको ऊपर से ही करवानी फिर जो निचले स्तर पे बिठा के रखे वो किस लिए बिठा के रखे। अच्छा हमारी एनवायरमेंट और बाकी चीजों पर नजर रहेगी, आप कल क्या करती हैं हमें उस पर भी नजर रहेगी। आप हमारे चैनल को देखते रहे, आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।